किसी ने लिख रखा कि आप शिप पे इतनी मेहनत करके पैसा कमाते हो और अक्की घर बैठ के खा के पैसा कमाते हैं इतने, तो आपको जेलसी फील होती है। तो पहली बात तो बता दूं, लगता है अगर आपको ये काम आसान है, काम आसान नहीं है। मेरे को तो इसका काम ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। अब तो ऊपर से दो चैनल हो गए, 22 बंदे का पता ही नहीं रहता घर पे है कि नहीं है। रूम ऊपर ही है मगर घर वालों को ये नहीं पता घर पे है कि कहाँ है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि घर पे रहता ही नहीं और घर वाले सोचते ऊपर ही है, और कभी कभी होता है कि ऊपर है घर वाले सोच रहे कहीं जा रखा होगा। जब भी आओ तो भाई नहीं मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, फ्री नहीं रहता। मेहनत हर काम में मज़ा किस में आता है वो इम्पोर्टेंट है। हम्म, मेरे को अपने उस लाइफ में मज़ा आता है, मेरे को घूमने को मिलता है। मैं ऐसी ऐसी जगह घूम रखा हूँ जो शायद मैं कभी नहीं घूमूँ घूमता अगर इस प्रोफेशन में नहीं होता। मतलब सिर्फ अफोर्ड करने की बात नहीं है, मगर यार इतना खर्चा करके मैं नहीं जाता, ठीक है ना। बट अभी मैं ऐसी ऐसी जगह घूम रखा हूँ, इतनी जगह घूम रखा हूँ, मज़ा आता है, लोग अच्छे मिलते हैं, काम करने में बहुत मज़ा आप तो आता है। शायद पूरा वर्ल्ड घूम रहे हो ना, कुछ एक आधे कंट्री रह गए होंगे। दो साल से घूमने को नहीं मिल रहा है मगर कोविड की वजह से। इस बार तो US में मिला बाहर जाने को, जहाँ जाके मैंने अपने फ़ोन लिया। US में इस बार इन्होंने इतना चालू पंती वाला काम किया, मेरे को कॉल किया व्हाट्सएप कॉल, और मैं उस टाइम सोच रहा था फ़ोन लेने का, आईफोन लेने की। तुम मेरे से पूछते कि कौन सा ले रहे तू, मैंने बोला भाई बाकी सब कलर्स तो आते रहते हैं बट जो सिग्नेचर कलर होता है, मतलब हर सीरीज का अपना एक अलग सिग्नेचर कलर होता है। जैसे इस बारी पैसिफिक ब्लू है, लास्ट टाइम शायद से सियरा ब्लू था। तो मैंने बोला भाई तो मैं तो सोच रहा हूँ पैसिफिक ब्लू लेने की। इस वाले का सियरा ब्लू है, लास्ट वाले का पैसिफिक ब्लू था। सॉरी माई बैड, मैंने सब बता दिया। अगले दिन फोटो भेज रहे, खुद के लिए ले लिया सेम वही फ़ोन, सियरा ब्लू और सेम वेरियंट, मतलब एकदम प्रो मैक्स ही। ना 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 ना, मैंने बोला भाई मार्च अप्रैल मई जून कभी भी घर आ सकता हाँ, तो हूँ। मैंने मना कर दिया था। इसने बोला बट इसको अर्जेंट चाहिए, तो ये स्मिथ से मंगाएगा हांगकांग से, क्योंकि वो अभी मार्च में हाँ मार्च में आए, स्टार्टिंग में आ गए थे। आ रहा था। वो ठीक है, मैंने बोला भाई बट अच्छा कौन सा है। तो मेरे को नहीं लेना था, मेरे साथ जो बंदा गया था सेकंड इंजीनियर उनको लेना था, उन्होंने लिया। अब भाई वहाँ इतना सस्ता पड़ रहा था, मेरे को लालच आ गया। और मैं भाई आईफोन यूज़ ही नहीं करता, मैं अपना वन प्लस में ही खुश था, बट मैं वो पैसे बचाने के चक्कर में उतने 1 लाख रुपए उड़ा के आ गया। हाँ वो बात अलग है, कलर मैंने वाला ले कलर लिया। वही लिया, हाँ तो दो भाइयों पे सेम कलर हो सकता है, और उसमें क्या है। नहीं फिर मैंने ग्रेफाइट मंगाया। और ये फ़ोन मैंने ले लिया, ये फ़ोन जब तक मतलब अपने आप गल के ख़राब नहीं हो जाता है, कुछ हो नहीं जाता, इसको मैं छोड़ने भी नहीं वालों। खमीरी रोटी ये भी ट्राई कर लेते हैं भाई। मैं स्मेल करके ना कहीं पहुंच रहा हूँ। धूम दरबार तो नहीं पहुंच ना 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 यार, तू इतना मत बोल, ये बहुत पहचानी हुई स्मेल है यार, बस याद नहीं आ रहा क्या है। समझ गया, किसी कॉफ़ी शॉप में जब आप कॉफ़ी लेते हो अच्छा। ना, कॉफ़ी मग्स के आसपास से जो स्मेल आती है ना कॉफ़ी की, एग्जैक्टली वो स्मेल है कैफ़े वाली। भाई पनीर बड़े बड़े पीसेस डाल रखे हैं, मसाले भी डाले होते हैं। बिल्कुल सॉफ्ट है भाई, घुल गया वो मैं जाके। पका सही है, पका सही है। एक्चुअली लगता है ऐसे है, क्यों? क्योंकि फर्मेंट करके बनाया जाता है, खमीरी बोले तो इसको फर्मेंट करके फुलाया जाता है। मैं चिकन की बात कर रहा था। कट कट कट, ओके। चिकन सही पका हुआ है। सही पका हुआ है यार ये। अब बोल रहा हूँ टेस्ट बुरा नहीं है, बट वो सिग्नेचर टेस्ट नहीं है, बस इतना सा फर्क है। अभी जिसने नहीं खाया ना, फर्स्ट टाइम खाएगा, वो बोलेगा भाई ये तो बहुत अच्छा है। ये वीडियो में क्यों इसका ऐसा बोल रहा था, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ वीडियो में, बट जो ये सिग्नेचर टेस्ट है ना, जिन्होंने पहले खा रखा है वो बता सकते हैं वो नहीं है। काश मैं भी ट्राई कर पाता, बट आज नहीं कर सकते हैं। ये दोनों आइटम्स ब्लैक पेपर से फर्स्ट टाइम मंगाए मैंने, क्योंकि ब्लैक पेपर में मंगाता ही सिर्फ बटर चिकन और इनके बटर नान की वजह से नॉर्मल हो गए। मैं वैसा नहीं होगा, बड़े बड़े हाई फाई रेस्टोरेंट्स में सोफिस्टिकेटेड तरह से बनाते हैं ऐसे, एकदम सटल। वो इसलिए बनाते हैं ताकि बंदे का डाइजेशन या फिर उसको जले वले ना स्पाइसेस से ना, हेल्थ रीजन से बनाते हैं। बट इसका मेरे को पता नहीं इसने इसलिए बनाया नहीं बनाया। खराब है भाई, चिकन में समझ आता है एक बार को, ये काली मिर्च चिकन, पनीर तो मैं कभी ना मंगाऊं। अरे मेरा ऐसे मन कर रहा था कुछ मतलब स्वीट पनीर में थोड़ा सा स्वीट ट्राई करने का। भाई शाही पनीर मंगाओ, शाही पनीर कोई पूछता ही नहीं आजकल शाही पनीर को। हमने स्पीति में शाही पनीर ही बेला है हर जगह, इसलिए नहीं मंगाया मैं। बट मैं देखता हूँ आजकल शाही पनीर कोई मांगता ही नहीं, बटर पनीर मसाला, कढ़ाई पनीर, ये पनीर वो पनीर, शाही पनीर खाते नहीं लोग। मैं भी नहीं मंगाता वैसे।
किसी ने पूछ रखा था कौन से कॉलेज से करा है, तुलानी मैरिटाइम इंस्टीट्यूट पुणे। जब मैंने किया था उस टाइम पे वो बिट्स पिलानी से अफिलेटेड था, तो जो मेरे को डिग्री मिली है बिट्स की डिग्री मिली है, बट अब वो एफिलिएशन IMU से हो चुका है, कंपलसरी कर दिया क्योंकि इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी से ही एफिलिएशन करना है। तो भाई मैं मतलब लकी बोलो जो भी बोलो, बट मेरे पे बिट्स का डिग्री है, बट उस हिसाब से टफ भी था उसका। तो मेरे कॉलेज के बाहर एक ढाबा था शिव प्रसाद ढाबा SPD, वहाँ पे ज़्यादातर ट्रकर्स लोग ही रुकते थे, बट अपने बिल्कुल इंस्टीट्यूट के बाहर था तो हम लोग भी आते थे, अलाउड नहीं था ऐसे शाम को मगर निकल जाते थे। भाई उसका पनीर पसंद था मगर वो एक कैच के साथ आता था कि वो तुम ऑर्डर तो कर लो मगर तुमको ये नहीं पता चलेगा वो आज अच्छा बनेगा बुरा। तो उसका 50-50 प्रोबेबिलिटी रहता था भाई, एक दिन अच्छा मिलेगा एक दिन उतना ही घटिया मिलेगा। तो बंदे मतलब अपना लक लेके जाते थे, जिसको मिल गया नहीं मिला तो भाई वो बहुत ही घटिया बनता था। बट वहाँ का बटर चिकन बहुत टेस्टी था, मतलब भाई साहब इतना टेस्टी, मगर उस बटर चिकन में भी वो सब कुछ डाल देते थे, मतलब चिकन की एक भी चीज़ शायद वेस्ट नहीं जाने देते, चोंच से लेकर पैर से लेकर शायद सब डाल देते। तो नहीं मेरे टाइम तो जेल था, सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन अगर दिया जाए तो एक तरह से जेल था, बट इन्जॉय करने वाले कर लेते थे। बहुत स्ट्रिक्ट था भाई साहब, मॉर्निंग में सुबह 6 बजे उठ के मॉर्निंग कंडीशनिंग पे जाना है, मतलब PT, नहा धो के ब्रेकफास्ट करके क्लासेस शाम के 4 बजे तक, और अटेंडेंस 85% कंपलसरी अभी भी होगी मेरे हिसाब से क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट है, इसलिए उसका नाम है इतना तुलाने का, शायद नंबर 1 अभी भी चल ही रहा होगा इंस्टीट्यूट। तो बॉटम था जिसका 85 से कम होगा भाई साहब बैक लगना पक्का है। और पढ़ाई उतनी टफ क्यों है, क्योंकि सिलेबस उतना टफ नहीं है, मगर जो रूटीन्स हैं सुबह PT है सब वो सब, उसमें आप फिर शाम को खेलने भी निकलोगे तो पढ़ने का टाइम निकालना पड़ता था। और एग्जाम्स ऐसे होते थे कि एक हफ्ते में 10 एग्जाम्स, तो आज सुबह शाम अगले दिन सुबह शाम ऐसे करके भाई साहब तुमको पढ़ के पास करना है। और जिस बंदे की बेचारे की बैक लगी हुई है उनके किसी के एक दिन में 3 एग्जाम पढ़ जाते थे, बंदा ये सोच के जाता था कि यार इस बार तो ये वाला क्लियर नहीं होगा, ये वाला छोड़ देता हूँ ये अगले साल निकालूंगा। ऐसे सीन भी होते थे वहाँ, मजा करने वाले कर ही लेते हैं भाई। यहाँ ब्लैक पेपर के बटर नान की बात, कोई बंदा भाई जॉब के लिए भी पूछ रहा था कि जॉब लगती है नहीं लगती है इस फील्ड में, अगर आप अच्छे मार्क्स लाओगे अच्छे जगह से करोगे तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई तुम अच्छे मार्क्स लाए तो 100% होगा ही होगा, उसका भी इंटरव्यू होता है, बहुत चीज़ें होती है, आपकी पर्सनालिटी पर डिपेंड करता है, बहुत चीज़ें। मैं जितनों को जानता हूँ खासकर मेरे कॉलेज के जितने बंदे थे सबकी जॉब लगी है, मतलब आजकल एजेंट्स बहुत घूम रहे हैं, तो भाई सीधी बात है एजेंट से बच के रहने का। कंपनी को कैसे मतलब कैसे पता चलेगा तुम सही कंपनी में हो, उस कंपनी को सर्च करो गूगल पे, वो कंपनी का RPSL नंबर होता है एक, ठीक है RPSL नंबर वो उनकी वेबसाइट में ज़रूर दिया होगा, जिसका नहीं दिया है या वेबसाइट ही नहीं है @gmail.com करके तुमको अगर मेल्स आने हैं वो सब फ्रॉड है। जिसका किसी कंपनी से कि ये कंपनी अपने अपने सबका मेल रहता है प्लस उनकी कंपनी की वेबसाइट में आपको RPSL नंबर दिखेगा वैलिड कब तक है, तो वो मतलब आप सही जगह जा रहे हो। मर्चेंट नेवी में सबको लगता है कि जाके पैसा कमाना है, तो बहुत लोग आते हैं जो एजेंट लोग बेवकूफ़ बना देते हैं, और मुंबई में तो बहुत स्कैम चलते हैं। किसी एक बंदे ने SCI का भी डाला है कि बड़े भाई को बुला नहीं रहे हैं, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो यार अगर सच में उसका SCI में हुआ है तो बुलाएंगे ही बुलाएंगे, ऐसा तो यानी कि छोड़ देंगे, वेटिंग हो सकती है क्योंकि यार ऑब्वियसली आज का कोविड के टाइम में हर जगह टाइम लग ही रहा है ज्वाइनिंग में। कोई एजेंट के थ्रू है तो एक बार डबल कंफर्म करो कि पक्का वो SCI से ही है ना, या कोई एजेंट के थ्रू हो रखा है वो कंफर्म कर लेना भाई। और भाई नान बहुत मस्त हो रहा है, नान बहुत ही गजब हो रहा है, किसका है? ब्लैक पेपर, मज़ा आ गया। मैंने कुछ चीफ इंजीनियर्स के चैनल देखे हैं, मतलब एक का तो देखा है, नाम याद नहीं आ रहा चैनल का वो, बट काफ़ी अच्छा मतलब इनिशिएटिव ले रहे हैं वो, नए कैडेट्स को या जो ज्वाइन करना चाहते हैं उनको बहुत हेल्प कर रहे हैं, तो यार उनका आप चेकआउट कर सकते हो। चैनल का नाम शायद मर्चेंट नेवी डिकोडेड, वो चैनल आप देखो, उसमें एक चीफ इंजीनियर वो बहुत हेल्प कर रहे हैं आजकल सबकी, मैं देख रहा हूँ, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो जिनको जेन्युइनली ज्वाइन करनी है। 2:30 बज गया, 2:30 बज रहा है, मैं कोक नहीं होती है ना तो मैं अधूरा सा रहता मन, अब इतना जैसे मैंने खा लिया कोक का, मैं एक सिप मारता ना सब सेटल हो जाता पेट में, एक अच्छा सा बर्फ पाती और अगेन अपन रेडी टू ईट। मैं भी आज ये शवरमा नहीं खा पाऊंगा, मैं तो भाई चॉकलेट स्टार्ट कर रहा हूँ, कल मेरा भी हो गया लास्ट भाई था, मेरे भी खत्म हो गए ब्रेड, मेरे भी ब्रेड खत्म हो चुके। फॉक्स शॉट तो मेरा प्यार है भाई, जैसे डोमिनोज है कि कभी वो चीज़ चेंज नहीं हो सकती, वैसे मेरे लिए फॉक्स शॉट कभी चेंज नहीं हो सकता। अब फटाफट से क्लियर करता हूँ और अपना चॉकलेट्स रखते हैं जरा यहाँ, टाइम देख लो अभी 2:45 हो रहा है। ऐसा बिल्कुल मत समझना मैं घड़ी दिखाने के लिए कर रहा हूँ, नहीं मैं ये बोल रहा हूँ ऐसा बिल्कुल मत समझना कि हम थोड़े गैप के बाद आ रहे हैं, तुरंत गए सामान नीचे रखा और तुरंत आ गए, क्योंकि ईटिंग विंडो मैं इनको भी अपने साथ डाइटिंग करवा रहा हूँ दोबारा से, क्योंकि मेरे साथ अभी मकबैंग करने वाले जब तक यहाँ हैं वो डेफिनेटली, तो
इसलिए इनकी भी डाइटिंग जरूरी है। तो ईटिंग विंडो जितना रहेगा हम उतने में खाएंगे। मेरी फेवरेट है एक ये वाली टॉब्लेरॉन और एक ये लिंट। लिंट तो प्यार है मेरा, बट ये वाली मैं फर्स्ट टाइम खाने वाला हूँ। लिंट एक्सीलेंस 90% मैंने खा रखी, वो खा रखी है मैंने, ये नहीं खा रखी। बाकी स्टार्ट करते हैं अपन लैटवियन से। एरिएटेड का मतलब उसमें हवा भरी गई है। खुशबू, खुशबू पता है किसकी तरह आ रही है? चॉकलेट की तरह, सिल्क की तरह। इसके देखो रैपर में भी बना हुआ है एरिएटेड, मतलब इसमें हवा भरी गई है। हाँ, देखो आगे से टेक्सचर कुछ ऐसा है और पीछे से ऐसा है। लेट्स गो इन। ओके, सही है, थोड़ा डार्क ही है चॉकलेट, बल्कि पता ही नहीं चलेगा कि खाली, एकदम लाइट, बट काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हो रही है। चल आई लाइक इट। हर्शीज़ काफ़ी अलग टेस्ट था। हर्शीज़ तो एरिएटेड कहाँ से ली थी? यूरोप से। लैटविया, लैटविया से। ये लैरसी को हाफ कर, इतनी तो मैं भी आई। स्पेशल डार्क एलमंड्स, एलमंड्स। ओके, लेट्स सी हाउ इट इज। ये इतना डार्क नहीं हो, ये ज़्यादा परसेंट था इसमें कोको का। ये थोड़ा स्वीट है, स्वीट है, तेरे को स्वीट पसंद नहीं है? मेरे को बहुत टेस्टी लग रहा है, मुझे डार्क पसंद है। ठीक है गुलियन भाई, बेल्जियन चॉकलेट। ओह तेनू, ये मेरे को इससे एक्सपेक्टेड था भाई। अंदर इसके अंदर बहुत सारी लिखी है, मतलब प्रीमियम डार्क चॉकलेट। अपन दूसरी खतरनाक टेस्ट डार्क है चॉकलेट। इस साइड सी हॉर्स बना है, इधर गुलियन लिखा है। बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रीमियम, मतलब देख के आपको लग जाएगा कि भाई टेस्टी है। कड़वी है मगर टेस्टी है। मतलब बोलते मीठा मीठा दर्द, तो कड़वी भी है मगर टेस्ट भी आ रहा है, मज़ा आ रहा है। बाद में आएगा, स्टार्टिंग में लगेगा कुछ नहीं, बट मेरे को तो बहुत बढ़िया लगी। थोड़ी देर उसका जो आफ्टर टेस्ट है गजब है। अभी अच्छी थी। बेल्जियन चॉकलेट लाए कहाँ से? डेनमार्क से। हर्शीज US। अभी खोले टॉब्लरोन, इसको तोड़ने का स्टाइल रहता है भाई। तोड़ो यहाँ से ऐसे, इसको दबा के और ये पूरा एक निकल गया। टॉब्लरोन शायद स्विस चॉकलेट है। इसका जो लोगो है इसमें एक चीज़ हिडन रहती है। ये जो इसका लोगो है इसमें एक बेयर बना हुआ है। ये एक बेयर है एक्चुअली, भालू किसी को पता नहीं रहता, बट जो यूट्यूब में फालतू चीज़ें बहुत सर्च करते हैं जैसे कि मैं, उनको पता रहेगा। आप क्यों खा रहे? तो पूरी खाएगा। हाँ ये तो टॉब्लरोन तो अच्छी है, मैं दूसरी वाली खा लूँगा। मेरे को ज़्यादा डार्क उतना टेस्टी नहीं लगता। खा ले, खा ले। मैंने कहा टेस्टी है। इसके अंदर वो रहता है यार, इसको क्या कहते हैं, क्रंची क्रंची सा कुछ जो भी है, वो मेरे को ज़्यादा मस्त लगता है। टॉब्लरोन कोई भी खा लो डिसअपॉइंट नहीं करेगी आपको। डेरी मिल्क के देख रहे हो मेरे, ये वाली पसंद है, ये वाली। वाह हाँ हाँ, ये ज़्यादा मीठी है ना मगर उससे। ये लेकिन ये थोड़ा मिल्क चॉकलेट का टेस्ट देती है। राइट, स्विस मिल्क चॉकलेट विद हनी एंड आलमंड नगेट। हाँ हाँ, ये वाली तूने मुझे दी नहीं भाई, टेस्टी इतनी दी। ये है बेलीज की, बहुत प्रीमियम चॉकलेट है। बेलीज एक्चुअली लिकर आती है, इसमें उसका फ्लेवर है एक्चुअली, अल्कोहल बिल्कुल नहीं है, बट फ्लेवर शायद वाला डाल रखा है। तो लिंट खा ले पहले, लिंट खा लेते हैं। लिंट भी भाई काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम चॉकलेट लगती है मेरे को तो। है भाई अच्छी खासी बहुत। स्विस मिल्क चॉकलेट, चॉकलेट में लगता है स्विस और बेल्जियन ही बहुत आगे निकल चुके हैं। उसके बाद आती है अपनी किशमिश बार। तो मिलती नहीं है जो मिलती है अभी भी कहीं मिलती है क्या? रेड कलर के पैकेट वाला ना। हाँ ऐसे बचपन में खाते थे भाई। अरे बहुत मीठा हो चुका है, मुँह में हर जगह जाके चॉकलेट चिपक चुकी है। बहुत मीठा हो चुका, बहुत मीठा हो गया। ओ भाई साहब ये देखिए ऐसे एंथनबर्ग और ऊपर था ट्रीट योरसेल्फ और उसके ऊपर ये था बेलीज प्रीमियम चॉकलेट विद अ सॉल्टेड कैरमल। बेली सॉल्टेड कैरमल इन क्रीमी फिलिंग्स भाई। इनके ऊपर शेप भी क्या गजब का दे रखा है, बिल्कुल मतलब डायमंड टाइप है ना, परफेक्टली स्प्लेंडर, एकदम शानदार। हमने वो देखी ना ब्लाइमनर, ब्लाइमनर इसने इंग्लिश में देखी, मैं टीवी में देख रहा था उसमें हिंदी में आ रहा था। भाई पूरा खाने का है, ऐसे तोड़ तोड़ के नहीं, मैं वही अंदर का दिखाना चाह रहा था, कैरमल और सॉल्टेड वाली फिलिंग्स। हो गया बहुत मीठा है। मैं मीठा नहीं खाता ना,
मेरे लिए तो ये ताँ तो मैंने सेंसिटिविटी दी है ना उसे, अच्छी है नो डाउट, उनके लिए अच्छी है जिनको मीठा पसंद है। आई डोंट हैव अ स्वीट टूथ तो मेरे को इतना चॉकलेट्स का वो नहीं है। कैसी पूरी की पूरी खा के देख लेते हैं। मीठा पसंद नहीं है और दो दो खा गया। हाँ वीडियो मजबूरी। बेस्ट बताओ मुझे कौन सी लगी। टॉप लेयर वन। नहीं मुझे बेस्ट लगी ये वाली। क्या बात कर रहा है, क्योंकि वो सबसे कड़वी थी, लाइट थी और टेस्ट एकदम डिफरेंट था। हाँ ऐसा टेस्ट मैंने कभी नहीं ट्राई किया। एक चीज़ और हो सकती है भाई, वो सबसे पहले खाई थी फिर उसका तू खाते गया खाते गया खाते गया तो तू सैचुरेटेड हो गया। एक बार और खा ले। माइट बी पॉसिबल। यही बेस्ट है। आने वाली की तो हालत ऐसी लग रही है कि अभी वैसे ही सो जाएंगे। सोने वाला हूँ नीचे जाके सोना अपने कमरे में। एसी ऑन करके अपने कमरे में जाके एसी ऑन करके सोना। नीचे तक पहुँच नहीं पाऊंगा ना भाई, यहाँ तो मेरे को एडिटिंग करनी है अभी। और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है बिलीव, सो आई थिंक दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप यू गाइस एंजॉयड टुडेस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप स्माइलिंग एंड आई विल कैच यू गाइस ऑन टू द नेक्स्ट वन। पीस। नींद आ रही है बहुत भयंकर मगर तेरे को एडिटिंग करनी है। मुझे एडिटिंग करनी है।